दीपोत्सव के महापर्व दीपावली को लेकर देश भर में भले ही उत्साह परवान चढ़ता जा रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के काल में मोकामा के कुम्हारों की माली हालत में अपेक्षित सुधार होता नहीं दिख रहा है। आज भी मिट्टी के बने शानदार दियों का कोई कद्रदान नहीं मिल रहा है। लिहाजा कुम्हारों के इस पुश्तैनी पेशे पर एक बार फिर ग्रहण का साया मंडरा रहा है। देश भर में चमचमाती और आकर्षित करती चाइनीज सामानों का समय भले ही दफन हो रहा है, लेकिन कोरोना काल ने भी कुम्हारों की सूरत बिगाड़ने में कोई कसर नहीं रखी है। हाथ से बने मनमोहक दियों की बिक्री की पनपी उम्मीदों पर कोरोना वायरस ने ऐसा कहर ढाया कि लोगों का आकर्षण ही मिट्टी के दियों से सिमट रहा है। आपको बता दें कि मोकामा नगर परिषद में कुम्हारों का तकरीबन 50 परिवार इस पुश्तैनी पेशे से आज भी जुड़ा है, लेकिन कद्रदानों की घटती आमाद और परिस्थितियों ने कुम्हारों का चेहरा मलिन ही किया है। मोकामा में दम तोड़ती हस्तकला और कुम्हारों की माली हालत पर सुशासन की सरकार को भी तरस नहीं आई। आज तक इन कुम्हारों का जीवन स्तर महफूज मुकाम तक पहुँचने की कोई कवायद नहीं की गई। कोरोना के स्थिति में तो हम लोग को बिक्री बहुत डाउन हो गया है, बहुत डाउन हो गया। जनता के पास है पैसे नहीं तो खरीद पा रहा है नहीं, हम लोग को बहुत स्थिति में चलना पड़ रहा है। परिवार किसी तरह चला लेते हैं चुका प्याली बना करके, लेकिन दिया का बिक्री इस साल नहीं है, सेल नहीं हो रहा। बनाए हैं तो करीब 40-50 हज़ार, लेकिन सेल नहीं हो रहा है। इसको क्या होगा दीपावली में, देखिए बिकता है या नहीं बिकता है। सरकारी नुमाइंदे और जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही ने भी कुम्हारों को नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। वहीं दीपोत्सव के इस महोत्सव पर लोगों का जीवन रोशन करने वाले कुम्हारों की जिंदगी में भी खुशहाली अपेक्षित है। तभी भारत वर्ष में जीवंत इस बेमिसाल हस्तकला की निरंतरता का वजूद कायम नहीं हो पा रहा है, वहीं इन मिट्टी से बने दियों को खरीदने वाला भी कोई नहीं है। नेशन न्यूज़ की रिपोर्ट।